टॉप 10 वीडियो एडिटिंग एप्स जिनको यूज करके आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियो एडिटिंग एप्स पता चल जाएंगी और ये भी पता चलेगा कि किस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप ज्यादा यूजफुल है। तो वीडियो देखते रहे, कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए नबील। और जिन जिनको वीडियो एडिटिंग का शौक है उनके मोबाइल में आपको कोई ना कोई वीडियो एडिटिंग की ऐप जरूर नजर आएगी, बट अक्सर लोग इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ऐप ज्यादा बेस्ट है और किस ऐप को किस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करें। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगी। सच बोलो। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ मोस्ट पॉपुलर वीडियो एडिटिंग ऐप डिस्कस करूंगा और उनके यूजेस भी बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नगला। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। नंबर 10, पावर डायरेक्टर। इस ऐप की खास बात यह है कि ये 4K वीडियोस को भी सपोर्ट करती है, तो आप इसे स्टनिंग 4K वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ब्लेंडेड विजुअल्स, एनिमेटेड टेक्स्ट और रॉयल्टी फ्री स्टॉक लाइब्रेरी से वीडियो क्लिप्स लेकर अपनी वीडियो को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी बेसिक वीडियो एडिटिंग के तो सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। नंबर 9, मैजिस्टो। मैजिस्टो में भी आपको सारे बेसिक वीडियो एडिटिंग टूल्स मिल जाएंगे, बट इसको स्पेशली बेस्ट समझा जाता है स्लाइड शो वीडियोस के लिए। तो अगर आप कोई स्लाइड शो वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, डाउनलोड मैजिस्टो। नंबर 8, एक्शन डायरेक्टर। एक्शन डायरेक्टर भी एक बहुत ही इजी और यूजफुल ऐप है जिससे आप हर तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बट स्पेशली एक्शन डायरेक्टर को इसके VFX इफेक्ट्स की वजह से पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको बेशुमार तरह के VFX मिलेंगे जिनमें स्टाइल, मोशन, ब्लर, स्लोमो और भी बहुत तरह के इफेक्ट्स शामिल हैं। तो अगर आपकी वीडियो में एक्शन की भरमार है तो एक्शन डायरेक्टर इज योर बेस्ट चॉइस। नंबर 7, VVideo। VVideo ऐप बेसिकली उन लोगों की चॉइस है जिनको मुश्किल तरह की ऐप समझ नहीं आती है और वो बिल्कुल बेसिक तरह की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। तो इसके थ्रू आप बेसिक वीडियो एडिटिंग जैसे ट्रांजिशन इफेक्ट्स, फिल्टर्स, कटिंग एंड ट्रिमिंग, टेक्स्ट एनिमेशन, ये सब आप इससे इजीली कर सकते हैं। और VVideo के थ्रू आप डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। नंबर 6, फिल्मोरा गो। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं और आपने फिल्मोरा का नाम नहीं सुना तो ये बहुत ही हैरत की बात है, क्योंकि फिल्मोरा एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फिल्मोरा गो की मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और इसके ट्रांजिशन इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इसके जो VFX हैं वो आपको बहुत ही मुश्किल से कहीं मिलेंगे। नंबर 5, VivaCut Pro। VivaCut Pro को आप Adobe After Effects का मोबाइल वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वही सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो Adobe After Effects में हैं, जिनमें मोस्ट पॉपुलर क्रोमा की, 3D एनिमेशन एडिटिंग, की फ्रेम एनिमेशन, कूल शॉकवेव इफेक्ट्स और FX प्लगइन, ये सारी चीजें शामिल हैं। तो अगर आपको एनिमेशन पसंद है और अपनी वीडियो में डिफरेंट तरह के एनिमेटेड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। नंबर 4, लिरिकल वीडियो स्टेटस मेकर। अगर आप इस तरह की वीडियोस को क्रिएट करना पसंद करते हैं तो ये एप्स आपके लिए बेस्ट है। नंबर 3, काइनमास्टर। ये वीडियो एडिटिंग की टॉप 3 एप्स में आती है और बहुत से यूट्यूबर्स इसी ऐप को यूज करके अपनी वीडियोस क्रिएट करते हैं, स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर होते हैं।
इस ऐप को कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर हैं, इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। नंबर टू, InShot। InShot वीडियो एडिटिंग की टॉप 3 ऐप्स में आती है और ये बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। इसके टूल्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और इसमें ऑलमोस्ट सारे बेसिक और एडवांस वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको एनिमेटेड स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। तो InShot से रिलेटेड भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इसके सारे फीचर्स डिस्कस किए हैं और सिखाया भी है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर वन, CapCut। अच्छा, यहाँ मैं इसको नंबर वन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें InShot और KineMaster दोनों के टूल्स शामिल हैं और कुछ और ज़्यादा एडवांस लेवल के इफेक्ट्स भी हैं। अच्छा, CapCut की स्पेशलिटी ये भी है कि इसके थ्रू आप वीडियो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और इसमें स्टिकर्स भी अनलिमिटेड हैं, प्लस VFX और ट्रांजिशन इफेक्ट भी इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसको KineMaster और InShot का कंबाइन वर्जन कह सकते हैं, बट इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये भी वीडियो एडिटिंग की टॉप 3 ऐप्स में आ रही है इस वक्त। अब ये आपके ऊपर है कि कौन सी ऐप आपको ज्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल लग रही है, तो वही आपके लिए टॉप 1 होगी। क्योंकि इन तीनों ऐप्स के डाउनलोड्स की अगर हम बात करें तो 100 मिलियन से ज्यादा है। तो कुछ लोगों के लिए CapCut बेस्ट है, कुछ लोगों के लिए InShot और कुछ के लिए KineMaster, बट नो डाउट ये तीनों ही बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप्स समझी जाती हैं। तो अगर आप इसके अलावा भी कोई वीडियो एडिटिंग ऐप यूज करते हैं तो कमेंट करके लाजिम बताएं, और हो सके तो उसकी स्पेशलिटी भी। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें, मैं सबको रिप्लाई करता हूं एज सून एज पॉसिबल। चैनल पे अगर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी और वीडियोस भी आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी ऐप की मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊँ तो कमेंट करके उस ऐप का नाम ज़रूर मैंशन करें। Thank you so much for watching this.